बड़ा दिलेर दिखा रहा है उससे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है दुनिया में। हुकूमत की सपोर्ट मैं सिर्फ इस तरीके से चाहता हूँ कि आप जो पॉजिटिव, अभी वो बच्चा जो था वो रिकवर हो गया है, जो आज से 4-5 दिन पहले अगवा उसको हुए, काफ़ी दिन हो गए थे। और अजीब होते हैं वो सोशल मीडिया, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, एक और बच्चे की दिखाई, जब वो हुआ तो एक और बच्चे की चलने लगी, जब वो पता किया तो वो भी 2-3 साल पुराना था केस, और वो बच्चा उस वक्त रिकवर हो गया था। तो ऐसे पेश करते हैं कि जैसे पता नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई हालात अच्छे इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन आप लोगों को होप दिलाएं इंस्टेंट कि आप लोगों को कहेंगे जी ये पता नहीं हमने हथियार नहीं डाले। आपने कहा ना, हमने क्या, आपने ऐसे कुछ लफ्ज कि आपने बेबस, हम बेबस नहीं है, बेबस वो है जो छुपे हुए बच्चों को, गरीबों को, कौन से बड़े आदमी को अगवा कर रहे हैं, किसी ट्रक ड्राइवर को उठा लेते हैं, किसी गरीब अकलियत के बंदे को उठा लेते हैं और अपने आप को दिलेर समझते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पहले भी इन पर काबू पाया है, ये डाकू आपको याद होगा पूरे सिंध में होते थे जब जियाउल हक का डिक्टेटर का मार्शल ला था। आप उस वक्त, मुझे वो ज़माना भी याद है, मैं सेवन शरीफ का रहने वाला हूँ, सेवन से जब मैं हैदराबाद आता तो ऐसे ही कन्वॉइस के ज़रिए आना पड़ता था जियाउल हक के ज़माने में। अब अल्लाह ताला का शुक्र है ऐसे हालात नहीं है, हम कोई डिक्टेटर नहीं, हम जमहूरियत, जमहूरी हुकूमत है। लेकिन हमने पहले भी इनको जहन्नुम रसीद किया है, नेस्त नाबूद किया है, अब भी सारे अमन के दुश्मनों को हम जहन्नुम रसीद करेंगे इंशाल्लाह। शिराज दहरी साहब, माइक दे रहे हैं, शुरू करें। शिराज जोर से भले गला है, गला है बाबा। एक तो लोड शेडिंग सर बहुत ज़्यादा हो रही है सिंध में आजकल, तो क्या वफाकी हुकूमत से आप बात कर सकते हैं कि जब तक ये आपका मंसूबा इम्प्लीमेंट हो, सोलर सिस्टम वाला हो चुका है 300 यूनिट्स वाला, तब तक कोई ऐसा लायबल बनाया जाए कि सिंध में लोड शेडिंग कम से कम हो, क्योंकि इंडस्ट्री, दुकानदार, घरेलू साथी बहुत सख्त परेशान हो रहे हैं। और दूसरा छोटा सा सवाल कि इंडस हाईवे तकनीक की तरफ नहीं जा रहा, बाकी हादसा हो रहे हैं वहाँ पर, वो भी क्योंकि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का ज्वाइंट वेंचर, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए आपका क्या किरदार है? मैं दोनों जवाब देता हूँ। अच्छा, बिजली के हवाले से हमारी फेडरल गवर्नमेंट से मेरी मुलाकात भी हुई थी आज से कुछ 2 हफ्ते पहले, फेडरल पावर मिनिस्टर से इस्लामाबाद में, शकील साहब, नासिर शाह साहब साथी थे मेरे उस मुलाकात में, नासिर आप भी थे ना, साथी थे, और हमने बिल्कुल ये बात बताई थी। उनका ये शिकवा कह लें कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए नहीं था, कि हमारे बिल वगैरह नहीं जाते, जहाँ पर बिल नहीं होते उन ग्रिड्स को हम लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं। और तो हमने कहा था कि ये एक तो आप सज़ा बिल देने वालों को नहीं दे सकते, जो बिल देता है तो उसकी, मैं अगर नहीं देता तो मेरी सज़ा आपको नहीं मिलनी चाहिए, आप तरीक़ाकार करें कि आप उसके, और ये पहले होता था, अगर मैं बिल नहीं देता तो मेरे घर की बिजली काटी जाती थी, ये नहीं कि पूरे मोहल्ले की बिजली काट दी गई है, ये उनसे कहा गया है। उसके साथ साथ मैं अगेन ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बिजली का एक तो इस्तेमाल, इसलिए कि आपको पता है ये एक आजकल 60-70 रुपये यूनिट कॉस्ट कर रही है बिजली, और कोई भी आदमी इसको अफोर्ड, मैं कह रहा हूँ कि गरीब क्या, एक मुतवसत तबके के लोग भी बिजली का बिल अगर दें तो बच्चों को शायद खाना भी ना खिला सके, तो उसका एहतियात से इस्तेमाल। और उसके साथ साथ जो बिल नहीं दे रहे वो बिल ज़रूर दें, और इंशाल्लाह ताला हम अपने हाउस को इन ऑर्डर लाएं तो हम इनसे हर हाल में ये लोड शेडिंग भी कम कराएंगे और इंशाल्लाह ताला ये होगी। दूसरा, हमने रोड का जिक्र किया, बहुत पुरानी कहानी है, 2017 से शुरू हुई, मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा, लेकिन चलिए उसमें अच्छी बात ये हुई है कि आज से 3-4 दिन पहले NHA के चेयरमैन आए थे कराची, उन्होंने मेरे से मीटिंग की थी, हमारी काबीना के भी कुछ दोस्त थे, ब्यूरोक्रेसी के भी कुछ दोस्त थे, ना सिर्फ इंडस हाईवे जामशोरों से सेवन, उसकी बात की हमने, उमरकोट, बिरपुर खास उमरकोट और उससे आगे छाछगढ़ तक रोड है उसकी बात की जो बना रही फेडरल गवर्नमेंट, हमने नेशनल हाईवे जो N5 है उसकी बात की कि किस तरह हाल ही में है, हमने जो मोटरवे बनना है हैदराबाद से लेके सखर तक,
उसकी बात की हमने, कराची हैदराबाद जो सो कॉल्ड मोटरवे है, मैंने उनसे कहा यार इस पर चल के बताओ और फिर वापस आओ, तो ये सारी बातें उनसे की, उन्होंने माना भी है। आप में से कुछ दोस्तों को शायद याद हो, आज से 2 साल पहले हैदराबाद में कमिश्नर के दफ्तर में उस वक्त फेडरल मिनिस्टर आए थे, हाईवेज के जो कम्युनिकेशन वाले, और वो खुद आए थे ये हैदराबाद से सक्कर की, और मैंने उधर कहा था कि ये आपका मंसूबा जिस तरीके से आप बना रहे हैं ये कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें, और मैंने इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के साथ रेस किया था बात के ये कामयाब नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था मिनिस्टर को भेजा था कि आप जाके हुकूमत सिंध से और चीफ मिनिस्टर से इजाज़त लेके आए। मैंने कहा लेकिन उन्होंने बड़ी यकीन दहानियाँ दिलाए, कुछ वफाकी वज़रा अपने साथ लाए पीपल्स पार्टी के जिन्होंने सिफारिशें की, शर्जील साथ थे मेरे उस दिन बैठे हुए और उनको हमारा मौका पता था, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा भाई तुम्हें मसला क्या है ये बना के दे रहे हैं ना। मैंने कहा था यही बनेगा और हुआ यही, अब वो उनको कैंसिल करना पड़ा है। अभी भी हमारी यही डिमांड वफाक से है कि ये सक्कर से हैदराबाद वाला मोटरवे किसी इंटरनेशनल फंडिंग सीपेक में लेके आए, अगर आप बाकी जो है पेशावर से लेके लाहौर से मुल्तान तक और सारे रोड सीपेक में लाते हैं, इसमें क्या परेशानी है आपको। इधर अक्सर लोग कहते हैं और हमें बुरा भला कहा जाता है आप ही ये चैनल्स पे जो चैनल्स वाले हैं कि जी सिंध में आके जो है रोडों की हालत ख़राब हो जाती है, पर सिंध में आप आते हो नेशनल हाईवे पे, मैं आपसे कहूँगा मैंने भी फिर ट्रैवल किया, मैं तो करता रहा हूँ लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ये सारा ट्रैवल किया ना, मैं सक्कर से लाड़काना गया, लाड़काना से मैं शहीद बेनज़ीर आबाद नवाब शाह गया, वहाँ से मैं मीरपुर खास आया, बहुत ज़बरदस्त रोड थे, जो थोड़ा टुकड़ा मैं NHA के रोड पे चढ़ा तो मुझे समझ आ गई कि रोड क्या है। तो ये वफाकी हुकूमत और इसकी वजूहत है, मैं बहुत लंबी तकरीर कर जाऊँगा इस पर बात कर जाऊँगा, मैंने इनको बताया प्राइम मिनिस्टर आए थे दोबारा बताया था कि कम्युनिकेशन वालों ने यानी जो है पिछले 10 साल में बाकी सूबों में कितना पैसा खर्च किया है, और मैं इंटरनेशनल फंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान CPEC को भी छोड़ दें वो भी सारे उधर खर्च किए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो NHA के अपने फंड हैं उन्होंने उधर कितना खर्च किया है और सिंध में कितना किया है, वो देख के परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब और कैटेगर ने कह दिया कि जब वफाक कोई सूबों में काम नहीं करेगी, तो हमने कहा भाई जब हमारी बारी आई तो वफाक को यही याद आ गया कि कोई काम नहीं करेगी तो वो हम नहीं मानते, इंशाल्लाह ताला ये काम कराएंगे। हमीदुर्रहमान साहब आपने जिस तरह हेल्थ के हवाले से मंसूबे बताए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बिला शुबा हेल्थ के हवाले से पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया, जितने भी आपने प्रोजेक्ट बताए नंबर टेन, लेकिन हैदराबाद में सूरत हाल ये कि जो हैदराबाद का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है वो टिक करने की जगह नहीं है, मरीजों का इतना रश है, और उसकी वजह यह है कि चूँकि हैदराबाद के कोरको जवाब के जितने अजला हैं वहाँ पर सेहत की सहूलतें नाकाफी हैं, उनकी वजह से वहाँ के मरीज भी हैदराबाद आते हैं, तो शायद इसमें आप कुछ कोई प्लान कर रहे हैं कि जो ये अस्पताल या हॉस्पिटल है इसको वसी किया जाए, इसको मजीद कोई वसत की जाए ताकि मरीजों का रश यहाँ पर कम हो सके। इसी के साथ में एक सवाल मेरा ये कर रहा हूँ मैं कोसार मेडिकल कॉलेज के हवाले से, एक कोसार मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी है उसको फाल करने के हवाले से आप। अच्छा मैं जो आपका सवाल था वो पहले खुद ही एक्सप्लेन कर चुका था कि हमारी इस दफ़े फोकस है कि हम अपनी डिस्पेंसरीज, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर्स, तालका अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को मजीद के फाल करें। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कोई चल भी रही है, मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा उनको हमने बाकायदे फाल करना है, और हमारी जो बेकर फेलियर का लव स्ट्रॉन्ग लेकिन फिर वही टीचर है, वो फेलियर यही है कि लोगों को इधर तक आना क्यों पड़ता है, NICVD जाएँ क्यों या JPMC जाएँ क्यों या गंबट तक क्यों जाएँ। अभी तो मसला बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे जो नीचे छोटे अस्पताल हैं उनमें वो सहूलियात मुयसर नहीं, लोगों को शहरों तक आना पड़ता और फिर ये हो जाता है सिविल, एक तो सिविल अस्पताल की भी हालत हमने बेहतर करनी है हैदराबाद की, वो है बिल्कुल एजेंडा में, और जैसे आपने खुद ही कहा
कि ये प्रोग्राम बिल्कुल है कि ज़्यादा फोकस हमारा इस तरफ जाना है। कौसान मेडिकल कॉलेज को मैं चेक कर लूँगा कि किस पोजीशन में, और हमें ज़रूरत है डॉक्टर्स की, हम ज़रूर उसको जल्दी फॉल करेंगे। मोहम्मद हुसैन साहब कर लें, आपके लास्ट टू क्वेश्चन, एक आपका फिर उनका ला सकते हैं, तो जल्दी कर लीजिए। एक मतलब तो आपको फिर थैंक यू कहूँगा, आपने टाइम निकाला हैदराबाद आए इस रिक्वेस्ट के साथ, कि जो नीचे गुजारिश आपसे की है लैंड डेवलपमेंट की बजट में रिफ्लेक्शन में, जो बजट अभी प्रोसेस में, तो कहीं उस पीसी में उनको हमारे बजट में रिफ्लेक्ट करा दें। सवाल मेरे क्विकली दो ये हैं, एक तो काम हुआ है जो आपसे पहले जाहिर की गवर्नमेंट चल रही थी, पंजाब ने अपना चोलिस्तान की जो कमांड एरिया है उसको डेवलप करने के लिए बहुत मैसिव स्कीम उन्होंने वर्कआउट की हुई है, और जहाँ तक मेरी मालूम है सिंध गवर्नमेंट शायद इसको टेकअप करने जा रही है शायद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो उसमें एक लेटेस्ट अपडेट देते हैं कि आपने उसमें अब तक क्या किया, क्योंकि जाहिर है कि बीइंग लोअर राइबेरियन हमारा कंसर्न उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खरीफ में हम बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज फेस कर रहे होते हैं, तो अभी लकीली शायद कुछ फ्लोज इम्प्रूव हुए तो पानी अवेलेबल है, लेकिन अगर ये जो विस्तार वाला मामला इस तरह हो जाता है जिस तरह की उसकी एलोकेशन का नहीं पता कि पंजाब विद इन अपनी अनाज में से पानी किसका कम कर रहा है किसका बढ़ा रहा है उसका हमें नहीं पता, तो कहेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा इनलाइटन करते हैं क्या कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये थी कि अभी कुछ वाइब्स ऐसी थी जब IMF के साथ नेगोशिएशन हो रहे थे तो उसमें एक बात चली थी कि जो NFC का जो डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला शायद उसको रिव्यू करने की बात हो रही है, उसमें शायद प्रोविंसेस के शेयर को कम करने की बात हो रही थी, चूँकि अब आपने एक महीना तकरीबन हो चुका है 2 महीने, इसमें आपने कुछ चीज़ों को एनालाइज कर दिया कि आपकी अब हमारी क्या पोजिशन होगी इसमें। अच्छा, सबसे पहले जो आप चोलिस्तान के उसकी बात कर रहे हैं, जाम खान मुझे उधर ही कह रहे थे कि पानी पे सवाल होगा, तो पोजीशन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, इस वक्त भी पानी ज़्यादा है हमारे पास, इस वक्त भी शदीद शॉर्टेज है, 37% शॉर्टेज है, पिछले साल से बेहतर है कुछ, लेकिन खैर उस पर आपके सवाल पे आ जाता हूँ। बिल्कुल हमारी नज़र में है ये, ड्यूरिंग के टेकर मैंने खुद, मुझे निशानदेही की गई थी और उसके देखे भी हैं। आप ये मैं कहूँगा कि ये तो नहीं कहूँगा बेफिक्र रहें, फिक्र ज़रूर करें कि, लेकिन हमें भी आपसे ज़्यादा फिक्र है कि सिंध के हिस्से का पानी किसी तरीके से कम नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, इस वक्त 1991 का कोड है इन वो, उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा है सारे चारों सूबों के हिस्से दिए हुए हैं, और अगर पानी कम आता है तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका भी तरीक़ेकार दिया हुआ है, तो हमारी और उससे कोई भी इनहराफ नहीं कर सकता, करेगा तो वो गैर कानूनी काम करेगा, तो हम उस पर नज़र रखे हुए हैं, और हमने बिल्कुल CCI पे भी हम ले जाना चाह रहे हैं इस इशू को, और उस पर हमारा काम चल रहा है। दूसरा सवाल था NFC का, अरे वाइब्स ये मुझे अगेन आपसे आती है, मुझे किसी ने नहीं कहा अभी तक, 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए बल्कि तकरीबन हुकूमत को आए हुए, अभी तक किसी ने ये बात किसी लेवल पे मुझे नहीं कही, किसी फोरम पे नहीं कही कि कोई ये रीथिंक करें। मेरी 3 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब से हो चुकी हैं, इवन कराची तशरीफ लाए थे, फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी 2 मीटिंग्स, एक 1-on-1 भी हो चुकी है, उन्होंने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है कि कोई NFC के फॉर्मूले को वो कम करने की। अच्छा, अब असल बात ये है कि कम कर नहीं सकते, आईन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 160 होगा या उसका एक सब क्लॉज होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं है कौन सा, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ, ये 18वीं तरमीम में ही हुआ था जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कराई थी, जब सदर साहब ने अपने पावर सारे पार्लियामेंट को दिए थे, उसमें सूबों का भी ख्याल रखा था और कहा था कि जो सूबों का शेयर है आइन में लिखा हुआ है, अब वो अगले NFC अवार्ड में इससे कम नहीं हो, बढ़ तो सकता है कम नहीं हो सकता, तो हमें आइनी तहफ़ हासिल है और अभी तक ना किसी ने जिक्र किया है, जब ऐसी बात होगी तो फिर देख लेंगे उसको। लास्ट क्वेश्चन लाला रहमान समो साहब, वो जो सवाल शहीद जाम मोहम्मद मेहर शहीद थी वो तीन हुकूमत में बाकी एक दिन या बनी रहल हो तहबानी या तीन वे फैमिली के कंपनसेट कर निगरान किया असा एहतियात भी किया धरना भी आया वो होम मिनिस्टर से मीटिंग की असो बेसिकली मुद्दे की दिहाड़ी कमाण आया तक को इंट्रेस्ट को लाइन आर्डर से बाकी हो दजा तेरह से 4 महीनों हल तो पो महीनो सवा महीनों 4 SSP साहिबान से एक कमेटी जोड़ी हुई
ہدایت ہوئی قاتلن کی گرفتار کر اساں کے ان کی کا اپڈیٹ کونے تک اپ میٹنگ تھی یا نہ تھی پر چھا یو قاتل کی گرفتاری سندھ میں جو پنجے والو علاقہ ہے لائن آرڈر انہی سان لگا پیل ہے کا سیاسی مسئلہ تا ہے یا کہ کیا فیکٹر ہے سیاسی مسئلہ کا کو ہے یعنی تو آخر میں جو تاں چھو نا پاکار کو نے ان تھی کی سگے خاص طور تے سیاف صاف جی حوالے سا کنے بن آؤٹ اف کوسچن تیری گل تے یا شہید جان محمد بار تا بھی پوچھے منو آخری دی ہو نیکسٹ ڈے گورنمنٹ ختم تھین دی رات جو اچھا گورنمنٹ ایکچولی اسمبلی ڈیزالو تھی ہوئی ہوں آؤ جس تائی نو چیف منسٹر فون تے آئے ہو مکھے چیف منسٹر جو پاورز بھی ہوئی چارج بھی ہوئی انہیں رات ان جی وہ واقع تھے ان سائی ناصر شاہ مسا گال پہ اطلاع ڈنی تو ہی تھی ویو ہے جہاز موکلے سکوں تھا جہاز اصانو سندھ حکومت وارو خراب ہو پر اصا بی کوشش کھیوں تھا پر اجا ان میں خیال ہے پندرہ وی منٹن کا خبر پی تو اصا جدا تھی ویا ہے شہید جان محمد بار ان وقت میں جن کے چھ جنا شاید نامنیٹ ہوا مجھے بسری ہو پرانی گال ہے ب یا ٹے ان ڈیئن میں اصانی گورنمنٹ بھی گرفتار تھے کیونکہ وہ سہولت کار ہوا ایکچوئل کلرس کو ہوا بالکل وہ گرفتار جے بھی تھے اگر کا مسئلے تو ہوجائے ہاں ان پاس بھی نہ ونو ہاں ان اصانی گورنمنٹ ٹن ڈی آؤں چیف منسٹر نہ رہے ہوس بلاول بھٹو زرداری صاحب پان ان کے گھر ویو ان کے یقین ڈیاری اتنے جی پولیس آفیسر ہوا چاکر جو چیئرمین صاحب ایک قداور شخصیت ہے ان کے سب رسپیکٹ کرتا ہوں کمشنر ڈی سی ایس پی ڈی آئی جی سب ہوا ان کے ہدایتوں کئی ہوئیں تو ان کے گرفتار کرنا ہے تاج کی بھی جان کئی تو ان جو لنک کچے کے دھاڑے دن سے جان مال بھر کے شہید کرنے والا میں خبر ہے جو قصہ ہو ان جو پانچوں ایشو ہو جان مال تمام ہی نفیس مانو ہو ان کے وہ بڑے کون تھے تو یہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوئی تو وہ تصویر ہوتی ہے وہ تصویر امن یا تصویر کے کرے ان کی شہادت تھی سو یہ جن گورنمنٹ آیا سی ہر ہوم منسٹر صاحب ہوم ڈپارٹمنٹ کے پولیس کے ایک خاص ٹاسک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جی اصا کچے کے دھاڑیل کے پویا پہ آئیں مجھے پوری امید ہے تو اصل جان مال بھر کے قاتل کے جلد گرفتار کر سکیں تھینک یو صدر صاحب گزارش ہے اجرک ٹوپی شرجیل صاحب کے حسین بھائی اجرک جو تحفہ پیش کر محمد حسین بھائی اشوک شرما جام خان چھوڑو کے اجرک جو تحفہ پیش کر خالد گوکھر صاحب ناصر حسین صاحب کے اجر پڑھیں گا جی 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 حمید الرحمان صاحب نثار کوکر صاحب ایک منٹ درد حمید الرحمان کو جنید بھائی منصور مری کاشف چھوڑو صاحب اجرک پڑھیں گا منصور مری یہ دیکھ کر کے اندر واپس میں رکھ دیں۔